चल बास के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि ट्रेवलर, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस अभी हम आ चुके हैं नानगुर का बाजार, और नानगुर का बाजार हमेशा से मैं आते रहा हूँ, और ये बाजार में सिर्फ सामान खरीदना मकसद नहीं होता, इसी बहाने लोग अपने परिवार से मिल लेते हैं जो दूर में है, बहन बेटियों से मिल लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर शादी वादी होता है तो ज़्यादा दूर में नहीं होता, आसपास में ही होता है, तो एक मिलने का जरिया भी हो जाता है, साथ ही साथ ये इंटरटेनमेंट और सामान भी खरीदारी हो जाती है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर बिक रहा है चापड़ा चींटी, ये देखते हैं चापड़ा चींटी है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है चटनी बनाने के लिए। इसको पूरा चींटी और इसके अंडे के साथ इसको पीस दिया जाएगा, और इसका टेस्ट होता है खट्टा मीठा सा। अभी यहाँ से लेके जाएंगे अपन एक या दो दोना लेके जाएंगे, और जब भी हम बस्तर आते हैं तो चापड़ा चींटी का चटनी जरूर खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और कंप्लीट एक्सप्लोर करते हैं बस्तर के इस बाजार को। दोस्तों यहाँ पर बिक रहा है कांदा, बांस, दातून। ये जो बांस छोटा छोटा दिखाई दे रहे हो, ये छोटा टुकड़ा, इसका इस्तेमाल पतला पतला काट के यहाँ पर दोना, पत्तल, चिपड़ी जो बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बांस का टोकरी ले रहे हैं, यहाँ पर करेला बिक रहा है दोने में, और ये इसका इस्तेमाल किया जाता है झाड़ू के लिए। विलेज में ज़्यादातर यहाँ पर टोकरी, सूपा, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है सामान रखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर टोकरी, सूपा जैसा कुछ कुछ है, और इसके अलग अलग नाम होते हैं एरिया के हिसाब से। ये आटा का, ये चावल का। ये चावल का है? हाँ। ये आटा का? हाँ। अच्छा, इसमें गुड़ डालते हैं कि शक्कर डालते हैं? गुड़ का बना। तो दोस्तों बाजार घूमते घूमते लग गई है मेरे को भूख, और यहाँ पर है मीठा वाला एक, अच्छा बोलते हैं ना, और इसका क्या बोलते हैं, आटा, आटा का मीठा है, और ये बनता है गुड़ का, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। कैसे दिया तसला में? 40 रुपये। ये क्या चीज़ है? दाल बड़ा है, और ये आलू भजिया, और वो मिर्ची भजिया। अच्छा, वो गुलगुला और जो बोड़ा बोलते हैं, बोड़ा किसको बोलते हैं? तो वो तो वो होता है ना, दूसरे कलर में होता है? नहीं, वो शक्कर वाला है। अच्छा, गुड़ वाला कलर का चेंज हो जाता है, कलर होता है। 10 रुपये का दीजिए इसमें का। हाँ जी दादा, तुम्मा बोलते हैं कि तुम्मा बोलते हैं? तुम्मा। अच्छा, ये कितने का है? कितने का है? 20। और ये? अच्छा, ये 10 रुपये ज़्यादा है इसका रेट। 20 रुपये का एक कूढ़ा, एक कूढ़ा दे दीजिए। उसको उठा लेते हैं ना, जान के ना उठा लो, डाल दो। ये बरबट्टी कैसे दी? 20 सब 20 रुपये का। अब मछली, बरबट्टी भी तो मछली लेना। एक बरबट्टी दे दो। बाजार घूमते घूमते हमसे मुलाकात हो गई शंकर मितान। जोहार। बहुत अच्छा लगा मितान, मतलब कई बार हम बहुत दिनों से मैं वेट भी कर रहा हूँ, 4 से 5 वीडियो हम लोग ये नानगुर बाजार का बनाया है, और ये एक और वीडियो एड हो रहा है, और फिर से मितान मिल गया तो बहुत अच्छा लगा है। मितान का विलेज लाइफ तो देखे ही है, और ट्राइबल होम स्टे चलाते हैं, तो आप इनके यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज का बाजार कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज बहुत घूमे हम लोग बाजार को, बाजार में बहुत कुछ आप लोग को देखने को भी मिलेगा, सूखा मछली। हाँ। और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं, जब लोग यहाँ बाजार खत्म कर लेते थक जाते हैं तो जाते हैं अपन उधर सर्दी ताड़ी पीने के लिए। जोहार भाई, क्या इसको क्या बोलते हैं? टुकड़ा। टुकड़ा है? टुकड़ा तो बड़ा होता है। हाँ, ये भी वही है, टुकड़ा साइज का है। गापा पीला। गापा पीला, अच्छा। ये बड़ा वाला टाकरा। टाकरा, तो इसमें क्या सम कुछ मछली उछली सुखाने उखाने का काम आता है? कुछ भी सुखा सकते हैं या रख सकते हो, घर में कुछ ऐसे रखने के लिए भी काम आता है। ये पूरा टाकरा है? और ये क्या बताया? टुकना। टुकना, अच्छा, छोटा टुकना। कोरली।
हाँ कोरली भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल। गोंडी में कोरली बोलते हैं ना, गोंडी में इसको कुस्सा बोलते हैं। कुस्सा। अच्छा, ये जो मांस है वो सिलक है बनाने के लिए। सिलक है वो सूपा है। सूपा सिलक मतलब वही ना, चावल जो पत्ते सिलते हैं, छिपड़ी वगैरह बनाते हैं। क्या बात, इसका सूखा वाला को इसको बनाते अच्छा, हैं। टाकरा बनाता कजने से, उसी से बनाते हैं टाकरा। हाँ बन जाएगा वो सब, उसी से बनता बाँस से। कैसे दिए दीदी? 40 रुपए। अच्छा ठीक, उड़ेगा कोई बात नहीं। यहाँ पर बिक रहा है महुआ शराब और लांदा और ये अंडा चखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, डालिए डालिए, डालो डालो डालो, वही तो स्वादिष्ट उसका टेस्टिंग। अरे वाह, थोड़ा सा साइड में भी रख देना आप, थोड़ा साइड में भी रख देना, हो जाएगा मितान, बहुत हो जाएगा, उतना हो जाएगा। ये महुआ कैसे दिए दीदी? 50 का 50 रुपये। अच्छा ये 10 का इतना, ये ज़्यादा हो जाएगा दीदी, थोड़ा कम दो, बस 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 और कम कर दो उसको, और कम करो ना, गिलास दिला। और कम कर दो, और कम कर दो, बस बस इतना ही दो। क्या दोगे? चिपड़ी क्या हमें पियेंगे? चिपड़ी दे दो, चिपड़ी बन जाएगा। कुछ कुछ भी दे दीजिए। हाँ दोना दे दीजिए, सबसे बढ़िया दोना। हाँ बस 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 एक ही से हो जाएगा। आप भी पियोगे? हाँ भाई पियोगे। हाँ तो उसको लेके आओ, इसको लेके चलते हैं, उधर चले। तो भाई साहब ये देख सकते हो, ये लांदा है और ये 10 रुपए से भी, 10 से भी कम का है। और देख सकते हो ये हम लोग बहुत ज्यादा दे रहे थे, 20 रुपए इतना सारा लिया अपन। तो दोस्तों बस्तर के बाजार में मुलाकात हुई हमारे शंकर मितान से, तो उन्होंने कहा कि चलो मितान थोड़ा सा मार्केट का वीडियो बना लिए, खत्म कर लिए, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, आराम देने के लिए लांदा का स्वाद लेते हैं। तो चलो मितान पीते हैं लांदा। ये दूध जैसे दिखाई दे रहा है गाइस, और ये हल्का खट्टा मीठा वाला टेस्ट रहता है। लांदा पीने वाला हूँ, बहुत खट्टा मीठा वाला टेस्ट रहता है हमेशा की तरह। और जब भी मैं ट्राइबल मार्केट में या नानपुर के बाजार में आता हूँ तो ये लांदा जरूर पीता हूँ। इसको बोलते हैं चिपड़ी या दोना। चिपड़ी छोटा वाला होता है और ये दोना थोड़ा सा बड़ा होता है। वही है ना मितान, ये दोना है ना? दोना है, दोना है। चिपड़ी छोटा वाला है, चिपड़ी छोटा है, जो अपन एक ही पत्ती का बनता है, एक पत्ती का जो वो चिपड़ी बोलते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा 2-3 पत्ती का बनता है उसको दोना बोलते हैं। तो फिलहाल मैं पीता हूँ इसको। वाह, चावल का बनता है ना? हाँ चावल का है। चावल दाल और पानी, धान धान। अच्छा, अंकुरित धान, अंकुरित धान, अंकुरित धान का, इसलिए धान अंकुरित धान का पिसान, उससे आता है नशा, फर्मेंटेड होता है तो। अच्छा, ये लग भी तरह जैसे कच्चा धान को ऐसे खाते हैं ना, तो वो वाला फ्लेवर इसमें भी आ रहा है। मजा आ गया गाइस। तो ये आज का जो नानपुर के बाजार का वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।